नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं मेरे दोस्त। क्या है मेरे मित्र की ये महिंद्रा सेंचुरो बाइक है, और इसमें मेरे मित्र क्या है कि इसकी जो सीडीआई है वो ख़राब हो चुकी है, ठीक। और इसका सीडीआई क्या, इसका जब चाबी स्विच ख़राब हो जाता है तो फिर उसके लिए नंबर रीड कराना पड़ता है, तब वह करंट आता है। लेकिन बिना नंबर रीड कराए और बिना लॉक सेट चेंज करे क्या जुगाड़ है, क्या तरीका है, उसके विषय में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीज़ चेंज किया है, क्या क्या हमको फेर बदल करना है, उसको हम आपको बताते हैं। और मेरे मित्र क्या है कि इसकी जो सीडीआई है वो जो जिन भाई ने बाइक लाए हैं, भाई ज़रा सामने आइए, एक मेरे दोस्त हैं। और भैया आप नाम दानिश, और आप कितनी दूर से लाए हैं बाइक? ये 4 किलोमीटर दूर से लाए हैं। और इसमें क्या है कि ये सीडीआई ख़राब हो गई। अगर सीडीआई वो होती तो आपको हम दिखाते कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन वो नहीं है। बहरहाल उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अब इसमें क्या है कि बिना उस भी सीडीआई के और बिना इसका नंबर रीड कराए क्या तरीका है, वो हम बताते हैं सीडीआई लगा करके। इसमें मेरे मित्र क्या है कि जैसे जो सुपर स्प्लेंडर हो, चाहे पैशन प्रो हो, एच एफ डीलक्स हो, यानी जिनमें लॉक में दो वायर होते हैं डीसी कनेक्शन, यानी एच एफ डीलक्स या जो भी इस तरीके से स्प्लेंडर प्रो, तो वो सीडीआई इसमें इंस्टॉल करना है और वो इंस्टॉल हो जाएगी। कैसे करना है उसके लिए हम आपको तरीका बताते हैं, क्या तरीका है। अब मेरे मित्र क्या होता है, इसके लिए ये जो 4 तार का कपलर होता है पैशन स्प्लेंडर एच एफ डीलक्स, उसके लिए हाँ ये 2 तार मेरे मित्र छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो 4 तार वाला कनेक्शन है ये इसको आपको ये लगा देना, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये 4 तार में 4 कनेक्शन है, ठीक है। ये हो गया मेरे मित्र अर्थिंग का, और ये हो गया पिकअप कॉइल का, ये हो गया डीसी कनेक्शन यानी जिसमें बैटरी कनेक्शन आता है, और ये आउटपुट जिससे करंट जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें आप समझते हैं इसके विषय में कि ये कौन कौन से तार कहाँ कहाँ के हैं वो बताते हैं। तो मेरे मित्र क्या है कि मल्टीमीटर यहाँ पर हमने ले लिया है, और इसमें क्या है कि जो बैटरी का कनेक्शन है वो करंट यानी इसमें भी आना चाहिए। जैसे चाबी ऑन करते हैं 12-29 आ रहा मेरे दोस्त, और एक तार देखो हमने अर्थिंग में ही लगाया यहाँ पर, ठीक अर्थिंग, लेकिन एक तार उसके साथ साथ जो यहाँ पर ये तार है ये वाला देखिए मेरे भी, अब 12-26 आ रहा है, ठीक वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा मीटर में भी कनेक्शन और बैकलाइट जलता है। तो ये देखिए लाल पे सफ़ेद डंडी, ठीक है, ये तार में डीसी करंट आ रहा, ठीक। तो इसको हमको क्या करना है, इसमें करंट देना है लाल काले पर, ठीक है मेरे मित्र। इस प्रकार से हमने इसको दे दिया, ये हो गया, ठीक मेरे दोस्त। अब इसके साथ साथ क्या करना है, जो इधर का मल्टीमीटर से चेक करते हैं पिकअप कॉइल, पिकअप कॉइल होना चाहिए मेरे दोस्त बीप पे लगा करके, यहाँ पर इसको बीप पे लगाया, बीप बोल रहा, ठीक। यहाँ पर देखिए एक तार हमने यहाँ अर्थिंग लगाया, एक तार हमने मित्र देखिए 138 पॉइंट बता रहा है ये पिकअप कॉइल, ठीक। तो ये पिकअप कॉइल के तार ये हो गया यहाँ पर ये वाला, ठीक, जो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद वायर, ठीक। अब पिकअप कॉइल कौन सा है, इसमें यहाँ पर पीले पर नीली डंडी, ये वाला हो गया पिकअप कॉइल का, ठीक मेरे मित्र। अब हमको क्या करना है, एक अर्थिंग देखना है और एक आउटपुट। अर्थिंग का वायर देखते हैं कौन सा है, मेरे मित्र देखिए ये अर्थिंग का वायर है, हमने बैटरी पर और उस पर ब्लैक कलर का अर्थिंग हो गया, ठीक। अब हमको इस पर ग्रीन पे दे देना है, इस प्रकार से ग्रीन पे, ठीक मेरे मित्र, ये ग्रीन दे दिया। अब मेरे मित्र क्या है कि ये हमको भी आइडिया नहीं कौन सा कलर का है, तो इसमें देखिए कौन सा कलर है, लाल पे काली, लाल वायर है, लाल पे काली पट्टी है, और ये हाई टेंशन कॉइल में यहाँ लगता है, लाल पे काली वायर, ठीक। तो वही वायर यहाँ पर बीप पे लगा करके और वहाँ तक चेक करते कौन सा कलर का वायर है, ये वायर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इस पर आउटपुट वाले पे दे देना है इस तरीके से, ऐसे, ठीक मेरे मित्र। अब देखिए हमने ये 4 तार इस तरीके से जोड़ दिया। अब मेरे मित्र देखिए क्या होगा, जब अगर आपको कभी अगर ये यानी आपको हीरो का जैसे मिल गया हमको ये कपलर, अगर आपको नहीं मिला 4 पिन का कोई और कपलर मिल गया ये वाला सॉकेट का, तब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे 4 पिन का सॉकेट है तो ये जहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, ये आपका समझ लीजिए पिकअप कॉइल का हो गया, इस पट्टी में पिकअप कॉइल, ये इसके इस पट्टी में अर्थिंग हो गया, ठीक है, और इस पट्टी में ये हो गया इसका आउटपुट, आउटपुट वाला वायर, और ये हो गया मेन, इसमें जिसमें करंट आता है
12 वोल्ट, ठीक, ये डीसी करंट। तो इस तरीके से चार वायर आप समझ लीजिए सिंपल तरीके से, ये भी कि जिससे कभी भी आपको परेशानी ना हो कि अगर आपको स्प्लेंडर का नहीं मिला तो, यानी स्प्लेंडर पैशन प्रो एचएफ डीलक्स का नहीं मिला तो आप परेशान ना हो, इस पर कह सकते हो। मेरे मित्र क्या हुआ, सिर्फ क्या करना है आपको, जब भी आपको सीडीआई की दिक्कत हो, परेशानी हो, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो वाइट तार है उसको ब्लैक कलर में देना है, ठीक, वाइट कलर के तार को ब्लैक कलर में देना है और जो यहाँ पर वाइट तार है वो ब्लैक कलर, यानी एक तार सिर्फ पलटा देना है, ब्लैक वाला यानी काले में कर देना और काले वाले ब्लैक में कर देना, और चाहे तो वहाँ से ना करके आप यहाँ से भी आप करेंगे तब भी ऐसा हो जाएगा कि यानी ये जो सफ़ेद वाला वायर इधर है, इस वाले वायर को आप इधर कर दीजिए और इधर वाले को इधर कर दीजिए, यहाँ से भी ऐसा हो सकता है मेरे दोस्त, यानी हो जाएगा। तो मेरे मित्र इसको फिट करते हैं और इसको विशेष करके आपको क्या ध्यान देना है, जो ये कॉयल है पिकअप कॉयल, कभी कभी मैकेनिक लोग भूल जाते हैं तो उसको क्या करते हैं ऐसे लगा देते हैं, देखिए हमने क्योंकि ऐसा एकाध मैकेनिक लोग ऐसा कर दिया, देखिए इस प्रकार से ऐसा लगाएं तो करंट नहीं आएगा। तो जब भी आपको लगाना हो तो आपको ध्यान देना है कि इसको यहाँ ऐसे पलटा के लगाना है, इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से ऐसे ऐसे लगेगा, तब यानी ये पूरी तरह से अच्छे से काम करेगा वहाँ पर जब मैग्नेट सेंटर में आएगा तब, और आपने अगर पलटा के लगाओगे तो फिर काम नहीं करेगा। मेरे मित्र क्या हुआ, अब यहाँ पर तो फिटिंग कर दिया गया और उसके साथ साथ ये फिट किया, अब देखिए हम करंट आता है कि नहीं आता वो दिखाते हैं। मेरे मित्र देखिए, यानी यहाँ पर चाबी ऑन कर दिया है, वो बैटरी फंक्शन सही है, ठीक है इसका, और अब फिर आपको किक लगे भाई मेरे, अब देखिए अब यानी ये करंट आ गया अच्छे से और सी डी आई आपके मेरे दोस्त कितना अच्छा सा करंट आ रहा है, यानी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब मेरे मित्र देखिए, अब बाइक को यानी सी डी आई वही वाला लगा है, देख लीजिए आपको, यानी हीरो वाली, ठीक, उसके साथ साथ इसका प्लग का प्लग लगा दिया, भैया स्टार्ट करिए बाइक को, अब देखिए आपके सामने, मेरे मित्र जब भी कभी भी आपको इसकी चाबी खो जाए या इसका लॉक में कोई समस्या हो जाए या इसमें करंट की समस्या आपको परेशानी हो और आप गांव देहात में हैं कहीं बहुत परेशान हो जाएं, तो आपको ये एक तरीका, ये जुगाड़ बिल्कुल सॉलिड है कि जिस प्रकार से आप इसकी जो सी डी आई है हीरो बाइक की सी डी आई लगा करके और इसका पिकअप कॉइल का तार पलटा करके उस प्रकार से आपका ये करंट अच्छे से आपका आ जाएगा। मेरे मित्र मेरे पास जो भी जानकारी थी बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।